भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में विश्वकर्मा मंदिर भवन में आत्मनिर्भर भारत अभियान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में 22 विभाग व 28 प्रकोष्ठ के संयोजक तथा सहसंयोजक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, 17 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 1 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर आत्मनिर्भर भारत विषय पर संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें शासन के योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सपना देखा है, उसके लिए सभी लोग मिलकर साथ काम करें, सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वच्छ भारत अभियान के संयोजक धर्मवीर सिंह, मीडिया विभाग के नितिन जायसवाल, अनुराग गुप्ता, चुनाव प्रबंधन विभाग के प्राण तिवारी, नमामि गंगे विभाग के रमेश भार्गव, विधि प्रकोष्ठ से शिव दयाल सिंह, स्वच्छता प्रमुख छटी लाल गुप्ता, शिक्षक प्रकोष्ठ अखिलानंद त्रिपाठी, रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ रविंद्र कुमार सहित महानगर के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि महानगर के महामंत्री आदरणीय और इस विश्वकर्मा मंदिर अध्यक्ष आदरणीय दयानंद शर्मा जी से आग्रह करते हैं, विभिन्न पदों पर आते हुए महानगर दो बार महानगर के अध्यक्ष का ऐसे मजबूती प्रदान हो केवल दिन और रात एक यही चिंता करने सम्मानीय राजेश गुप्ता जी, महानगर के लोकप्रिय महामंत्री सम्मानीय ओम प्रकाश शर्मा जी, सम्मानित देवेश श्रीवास्तव जी, सम्मानित इंद्रमणि उपाध्याय जी और इस संगोष्ठी का संचालन कर रहे पार्टी के महामंत्री सम्मानीय अच्युतानंद जी शाही। देखा था अपनी आंखों के सामने, लेकिन उनकी आंखों के सामने वो सपने पूरे नहीं हुए। जनसंघ में काम करने वाले लोग जो 1925 से काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित होकर के और 1953 में वो नारा लगा रहे थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सपना देखा था, लेकिन वो इस धरती पर नहीं होंगे। ऐसे कई पीढ़ियों के लोग 500 वर्षों से लोग सपना देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ आई, भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा तय किया था कि हम अयोध्या के अंदर उस विवादित स्थल पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, भारतीय जनसंघ का एजेंडा तब भी था जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से यात्रा प्रारंभ की 25 सितंबर 1989 को, तभी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। उस समय 84 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, उस समय भी एजेंडा हमारा था वही। और जब अयोध्या के अंदर 1990 में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई तो उन पार्टियों का एजेंडा दूसरा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तब भी वही था। और आज भी जब प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है तो भी हमारा एजेंडा वही है, कभी विचारधारा समझौता नहीं किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो उत्कर्ष है, जिस ऊंचाई पर आई है, चाहे धारा 370 25 से समाप्त हुआ क्या हुआ होगा, आज 25, 26, 28 वर्ष का हो गया होगा, उसे नहीं पता कि 6 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था, कैसे कार सेवकों ने अयोध्या के अंदर कार सेवा की थी, पूरे देश के राम भक्तों ने कैसे
समाज सेवा की थी उन्हें नहीं पता होगा। आज का जो युवा 26-27 वर्ष का होगा, जो 92 के बाद पैदा हुआ होगा, उसने दृश्य नहीं देखा होगा। वो समाजवादी पार्टी के बहकावे में आ सकता है। वो समाजवादी पार्टी का अगर उस समय जो कहती थी कि जो अयोध्या के अंदर परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो इन्हीं केवट और निशान बंधुओं ने, जिनकी नामें पलटती गई थी सरजू में, इन लोगों ने दूर दूर जाकर के 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाकर अपने अपने नाव से सरजू में पार राम भक्तों को उतारने का काम किया था। और अयोध्या में जिस समय पूरी पुलिस छावनी में बदल गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन हर घर में 10-15 लोग राम भक्त रुके थे, हर घर में रुके थे। और जैसे कार सेवा प्रारंभ हुई, अयोध्या की सड़कों पर लाखों लोग निकल गए, हर घर से 10-20 लोग, हर घर ने अपने अपने घरों में रुका करके 10-20 लोगों को भोजन कराया था, रुकवाया था, और लाखों लोग निकल गए। ये जो तस्वीर आज भारत की बदली है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की है जो पर्दे के पीछे रहकर के पूरे देश भर में निष्ठा के और समर्पण के साथ काम करते हैं। यानी हमारी ताकत और शक्ति जो है वो कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है, करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निष्ठा और समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं, किसी परिवारवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी के आधार पर नहीं काम करते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रही है, और आज 1 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर आत्मनिर्भर भारत की संगोष्ठी आयोजित की गई थी। गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने भी आज यहाँ आत्मनिर्भर भारत पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर भारत, भारत हर क्षेत्रों में कैसे आत्मनिर्भर बना मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कैसे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर भारत होकर के खड़ा हो, इसी की दृष्टि से विस्तार पूर्वक आज यहाँ संगोष्ठी आयोजित थी। देखिए, 2 अक्टूबर इस देश के 2 महापुरुषों की जयंती है, महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता अभियान के माध्यम से हर जगह पर जहाँ हमारे महापुरुष हैं उनके चित्रों पर माल्यार्पण करके सफाई अभियान करेंगे, और बस्तियों में भी जा करके हम स्वच्छता अभियान अलग अलग चलाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के रूप में मनाने का हम पार्टी ने निर्णय लिया है।